नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ क्वेश्चंस। और इस वीडियो के अंदर हम, ये पहला पार्ट है ज्योग्राफी के सीरीज का, और इसके अंदर हम ऐसे ही 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसको हर्नाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है? इसे कहा जाता है हर्नाइट ऑफ अर्थ मेंटल को। मेंटल जो होती है वो हमारी अर्थ सरफेस की सेकेंड लेयर होती है। सबसे पहले ऊपर होती है हमारी क्रस्ट, और उसके बाद आता है हमारा मेंटल, और अंदर सबसे होती है कोर। तो ये तीन लेयर होती है हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, जिस जो डिवाइड होती है तीन पार्ट्स में। मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले होती है क्रस्ट, दूसरे नंबर पे होती है मेंटल, और तीसरे नंबर पे होती है कोर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है जैसलमेर, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस भारत का है जैसलमेर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर, कंफ्यूज मत होइएगा, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सो स्टूडेंट्स, सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पर, और काफी प्रसिद्ध परियोजना है, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। विश्व में केले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में केले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है, याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केले का। सिक्स क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होता नील, लेकिन यहाँ दक्षिण अमेरिका की पूछी गई है इसीलिए अमेज़न। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता एशिया की, तो याद रखिएगा एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगतज, नाम याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है पिछली बार के सीजीएल में भी। सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? सो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर, जहां पे शिप ज्यादा आते हैं, वो है स्वेज नहर। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है हमारा, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? सार्क देश आप जानते ही होंगे, समूह है जो एशिया के कुछ देश है उनका, और उसके अंदर जो सबसे घना आबाद देश है वो है बांग्लादेश। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वायुदाब नापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। कई बार ये इंस्ट्रूमेंट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंस्ट्रूमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो वायुदाब नापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। इसी तरीके से भूकंप नापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है रिचर स्केल, और भूकंप की तीव्रता को देखने के लिए ग्राफ के ऊपर सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, याद रखिएगा इसको भी। इसके बाद दसवां क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? सो स्टूडेंट्स, बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते होंगे आप इसे, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्ट्री है कि यहाँ पर जो शिप जाते हैं वो खो जाते हैं या फिर वो लुप्त हो जाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। 11वां क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो स्टूडेंट्स, पाक जल संधि जोड़ती है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। मन्नार और बंगाल की खाड़ी जो हमारे में साउथ ईस्ट के अंदर पड़ते हैं, उनको जोड़ती है ये। इसके बाद सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, प्रशांत महासागर है। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर रेशम का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है कर्नाटका, कर्नाटका में सबसे ज्यादा रेशम होती है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, शिकार के लिए हरपुन का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हरपुन का प्रयोग करती है एस्किमो एक प्रजाति होती है जो कि हरपून का प्रयोग करती है, और ये शिकार के ऊपर ही अपने जीवन व्यापन करते हैं, और अभी भी ये काफी पिछड़े हुए हैं। एस्किमो नाम की प्रजाति है जो शिकार के लिए हरपून का प्रयोग करती है। 15वां क्वेश्चन है, विश्व में मक्का की पेटी यानी कि कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? तो कॉर्न बेल्ट पाई जाती है यूएसए के अंदर यानी अमेरिका। 16वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? आर्द्रता मतलब स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी। सो हमारे जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको मापने का यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं यानी कि ह्यूमिडिटी नापते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध उंगली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? सो प्रसिद्ध उंगली नुमा झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंग्लिश में कहेंगे इसको, वॉल्केनो जो कि एक्टिव वॉल्केनो कहां पर है सबसे ज्यादा? भारत का, संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय वॉल्केनो यानी कि एक्टिव वॉल्केनो कहां पर स्थित है? तो ये है किलायू के अंदर। विश्व की ऊपरी परत को किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है?
तो स्टूडेंट्स विश्व की सबसे ऊपरी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारी ऊपरी परत के अंदर। वहीं बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से ये वर्षा का कारण होता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन हमारा इसमें हैगा, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो भारत के सबसे दक्षिण में यानी कि सबसे साउथ में स्थित है ग्रेट निकोबार, और यही द्वीप भारत के सबसे साउथ में स्थित है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ये पूछा हुआ है कि किम्ब्रेल किस लिए प्रसिद्ध है, यहां पर हीरे के खाने हैं इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के जुड़ाव जुड़ा हुआ है, ये है स्वेज नहर का। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व में सबसे बड़े खारे पानी की झील है कैस्पियन, याद रखिएगा कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके बाद आते हैं 25वें क्वेश्चन पे, उसमें पूछा गया है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सो स्टूडेंट्स विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। और 26वां क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको सिस्मोग्राफ की यूज करते हैं हम इसको तीव्रता नापने के लिए। और सिस्मोग्राफ एक्चुअली एक पेज के ऊपर इसके, जैसे कि आपने देखा होगा कभी वेव्स की फॉर्म में, वो इसकी तीव्रता को बताता है। और उसके बाद हमारा आता है 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ट्रांस कैनेडा गैस पाइपलाइन, याद रखिएगा ट्रांस कैनेडा गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इसके बाद आता है 28वां क्वेश्चन, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है, तो द्वीपों की सबसे ज्यादा संख्या हैगी प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा द्वीप भी प्रशांत महासागर में ही है और सबसे बड़ा